बिल्ला तोड़ा पोड़ा पोड़ा के बाद टी शर्ट डालेंगे अब, मुझे लग रहा है टी शर्ट फट सकते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हुआ नहीं टी शर्ट टाइट और हम उसके विंग्स दिखा दो। वाओ ब्यूटीफुल। अपन थोड़े देर में गेमिंग चैनल भी ओपन करने वाले हैं। अपने गेमिंग चैनल बहुत ही जल्द आने वाले हैं, आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा अपना गेमिंग चैनल का विषय, तो बी रेडी गेमिंग चैनल के। आज आंधी तूफान। मैं बाहर जाऊँ सोच रहा हूँ, अभी देखते हैं रेको, मैं देखता हूँ कुछ तो करता हूँ, बट आंधी तूफान आ चुका है हमारे यहाँ पे। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चलो तो गाइस गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम यार? हो बस सब ठीक हो गए तो आज फिर से नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज दोपहर को ना बदलापुर गया, मुंबई पूरा मुंबई साइड ही आई थिंक सो ये आया था कि पूरा तबाह करके गया। बहुत ही एकदम खतरनाक वारा था, एकदम खतरनाक एकदम ऐसे एकदम क्या बोलते हो उसको, बारिश आई थी, बारिश भी थी उसके बाद। उससे पहले तो बाबा बहुत ही मैंने क्लिप्स निकाले दो तीन, वो मैं ऐड कर दूंगा। एंड ओले बर्फ भी गिर रहे थे ऊपर से मस्त लेके, एंड बहुत ही अच्छा मौसम था, बट वो नुकसान भी करके गया है बहुत। मैंने दो तीन रील्स वगैरह भी देखे फिर, एंड हमारे यहाँ पे भी बहुत नुकसान हुए, जो साइड में बुद्ध विहार है वहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ मुझे लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने देखे भी दो तीन देखे कि वो बुद्धवार न्यू बुद्धवार बन रहा था ना, उसके ऊपर एक ऐसा गोल कलर का कुछ गोल था, उसको भी फट भीट गया है वो। एंड वहाँ पे शादी होती है, वहाँ पे पूरा मंडप गिर गया था, बहुत कुछ विषय हुआ, बट वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, इतना कुछ विषय नहीं, किसी को हार्म ना पहुँचा हुआ, बस यही दुआ है मेरे से। एंड अब हम कर रहे हैं वर्कआउट मस्त पीके, एंड मैं तीन दिन से रेगुलर हूँ। एंड आज सुबह मैंने वर्कआउट नहीं किया, आज मैं नाइट में कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह मैं आज लेट उठा, ब्लॉग एडिट करते ही करते दो बज गए, दो बजने के बाद सीधा वो बारिश गिरने लगी, बारिश गिरी तो फिर अभी मैं सो गया था, सो के उठा हूँ अभी। एंड अभी मस्त है कि अभी मस्त वर्कआउट करेंगे एकदम भारी। एंड आज वर्कआउट में होने वाला है बैक एंड बाइसेप, मस्त है कि एकदम भारी पंप करेंगे, एकदम मस्त है कि वर्कआउट करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको थोड़े क्लिप्स, मतलब देखो आप मज़ा आएगा उतने में देखने को। एंड एकदम प्रॉपर करेंगे, एकदम मस्त है कि पूरा बॉडी खींच के पूरे मसल्स ऐसे फट जाने चाहिए उतना वर्कआउट करेंगे। एंड कल सुबह एकदम मस्त है कि एकदम भारी दिखना चाहिए, बस वर्कआउट करने का है, बॉडी बनाने की भाई विषय खलास। मम्मी का कुछ मूड हो रहा नहीं है, आपने इतने कमेंट किए फिर भी मम्मी मुझे लग नहीं रही जिम को भेजेंगी, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। और मेरे इस आँख में ना कचरा चला गया है, वो दोपहर को मैं गया था बाहर उसकी वजह से, एंड वो आँख मेरा अब भी जल रहा है। चलो मैं वर्कआउट चालू करता हूँ, नहीं तो फिर ऐसे टाइम पास होता रहेगा। गाइस मेरा लक इतना खराब है कि मैंने अभी वर्कआउट चालू ही किया था, मतलब वार्म अप कर रहा था, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर रहा था, एंड उतने में ही लाइट चली गई है। अब फिर भी मैं वर्कआउट करूंगा बिना लाइट के, तो फिर आपको क्लिप्स वगैरह देखने नहीं मिलेंगे, आपका नसीब खराब था, मेरी बॉडी देखने को नहीं मिल रही आपको। चलो मैं वर्कआउट वगैरह करता एंड उसके बाद भी आई होप लाइट आ गई तो फिर आपको देखने मिलेगी मेरी फिजिक, मेरी बॉडी देखने मिलेगी आपको, आई होप मिल सकती है देखने। कौन सा बोल लेते भाई, हाँ चलो मैं करता हूँ वर्कआउट एंड उसके बाद मिलता हूँ। लाइट उसके पहले आ गई तो आपको दिखाऊंगा, मैं प्रॉमिस टू यू मैं दिखाऊंगा बॉडी आपको। चलो गाइस गाइस तो मस्त है कि बाइसेप का वर्कआउट चालू, एक सेट कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक नॉर्मल
ऐसा वाला कंप्लीट हो चुका है एंड अभी थोड़ा ये तीन और दो सेट है वो कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हो गया तो फिर बाइसेप का वर्कआउट अपना कंप्लीट हो जाएगा। मम्मी बातें कर रही है, कौन सी भाषा में क्या बता, बट कर रही है मम्मी बातें। मम्मी को चार पांच भाषा आती है, चिल्ला तोड़ा पोड़ा पोड़ा। तो वन एंड लास्ट अपना सेट बाकी है एंड बस इतने बड़े बड़े पंप हो चुके हैं। शैडो फुटा क्या दुख, तो इतने बड़े बड़े पंप हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन हो चुका हूँ मैं। एंड आई होप एक दिन हो अपने एकदम अच्छी बॉडी बने अपनी। एंड अभी मस्त है कि अपना वर्कआउट लास्ट एक सेट होती है, लास्ट एक ही सेट बाकी उसमें वो हो जाएगा एंड उसके बाद टी शर्ट डालेंगे अपन। एंड मुझे लग रहा है टी शर्ट फट सकते हैं। नहीं नहीं इतना नहीं कुछ होगा, बट हम उसके बाद टी शर्ट डालेंगे। वो टी शर्ट मुझे पहले ही टाइट होता है थोड़ा थोड़ा एंड अभी ज़्यादा टाइट होगा, आई होप हो एक टाइट दिखाता हूँ मैं आपको, मुझे लग फर्क समझेगा एंड मैं आपको बताऊँ। अभी बाइसेप एकदम मस्त मस्त हो चुके, अभी मैं एक लास्ट सेट मारता हूँ उसके बाद आपको मिलता हूँ सीधा। चलो मैंने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं, बट थोड़ा दिखाया उसमें, आप खुश रहना मेरे बच्चे के दिन में। चौ चौ ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस गाइस हुआ नहीं टी शर्ट टाइट, बट इट्स ओके अपन एक दिन करेंगे। एंड मुझे विंग्स दिखाने का आपको मेरे फोरम्स के, अभी ना मुझे रिटर्न कैमरा भी सेट करना, मैं दिखाऊंगा रुको 5 मिनट्स। तब तक लिए मैं बोल देता हूँ कि मैंने वर्कआउट इज कंप्लीट कर दिया, मस्त है कि बैक का वर्कआउट किया बाइसेप, मैंने मतलब इतना खतरनाक वर्कआउट किया ना, कल सुबह इतना पेन होगा ना मुझे, मुझे पता है पेन होगा, बट नो पेन नो गेन ब्रो, समझ रहे हो ना। जो जो मैं बोल रहा हूँ अभी सुबह देखते क्या होता है। एंड आज नाइट का वर्कआउट था, मैंने नाइट को किया, बट चलता है अपन कल से डेली मॉर्निंग में करेंगे। एंड मैं दिखाता जाऊँगा हर 2-3 दिन के बाद, डेली दिखाऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, 2-3 दिन के बाद दिखाता रहूँगा। एंड अपने अभी वो चैलेंज भी शुरू होने वाला है जल्दी। एंड ये 95 ब्लॉग मतलब सोच रहा हूँ मैंने कब से करते आ रहा हूँ, 3 मंथ्स होने आ गए, हो गए 3 मंथ्स ऊपर हो गए। एंड उसके बाद अपन अभी करने वाले ट्रूथ एंड डेयर चैलेंज, वो भी 10 दिन के लिए रहेगा। एंड 10 दिन में आपने बहुत अच्छा पैर दिया तो फिर हम लोग आगे और बढ़ेंगे एंड मस्त मस्त चैलेंज करेंगे और साथ में, तो आप मुझे चैलेंज वो मैं बताऊंगा जब 99 100 ब्लॉग रहेगा ना, तब आप मुझे ट्रूथ एंड चैलेंज का ट्रूथ एंड डेयर मुझे देना, उनमें से मैं 5 ट्रूथ एंड 5 डेयर चॉइस करूंगा एंड अपन कंप्लीट करेंगे, जो भी हो करेंगे, बस इतना भी डेंजर मत देना कि कुछ विषय हो जाए, बाकी कुछ हम करेंगे जो होगा देखा जाएगा, वो बाद की बात, बस आप देना। एंड जो नए लोग रहेंगे प्लीज सपोर्ट करो तुम्हारे भाई को, फटाफट ग्रोथ दिलाओ एंड फटाफट सिल्वर प्ले बटन लाने का अपन को अपने घर पे। चलो अब मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका, मैं आपको फोरआर्म्स दिखाता हूँ, फोरआर्म्स के विंग्स दिखाता हूँ, इतना ज्यादा तो नहीं बट जितने हैं उतने हैं। चलो ये टैटू के ऊपर दिखते नहीं, बट ये देखो मेरे ना मतलब चेस्ट पे भी विंग्स आ गए थे, बट वो अभी चले गए क्योंकि मैंने बीच में बंद कर दिया था, बट अभी फिर से उनको लाएंगे अपन अपनी राह पे। स्ट्रॉन्ग बॉय लगना चाहिए। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में, अभी मम्मी कुछ तो काम कर रही बोल रही है वो करता हूँ एंड उसके बाद मिलता हूँ भाई, तेरे दिखता हूँ मैं क्यों, जय शिवराय। चलो गाइस गाइस तो मस्त है कि मैंने फोटोज वगैरह निकाले एंड मैंने मस्त है कि दूध एंड बनाना वगैरह भी खा लिया, थोड़ा अभी स्ट्रेंथ आ गए, ताकत आ चुकी है एंड मुझे ऐसा फील होता है कि एज अ मैं 3 दिन से वर्कआउट कर रहा हूँ ना, एज अ एकदम स्ट्रांग बॉय फील होता है मुझे, मस्त है कि एंड मैं हूँ स्ट्रांग, तो हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हेटर्स सभी को मैं बोल देता हूँ कि हल्के में ना लीजिए, हम बहुत मारते हैं, ऐसा नहीं मैं मारने के लिए बॉडी नहीं बना रहा, बस मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, मेरी माँ डिजर्व करती है स्ट्रांग बॉय, तो फिर मैं उसके लिए बॉडी बना रहा हूँ, समझ रहे हो ना, मम्मी डिजर्व करती है स्ट्रांग बॉय,
एज अ स्ट्रॉन्ग बॉय एंड मम्मी के लिए जान भी हाजिर है। नहीं क्या जो कर रहा हूँ मैं माँ के लिए कर रहा हूँ, माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, तो उनके लिए कर रहा हूँ। तो उन लोग डिजर्व करते अच्छा सून हो ना, समझ रहे हो ना। मैं आपको कुछ तो दिखाना था तो आप उन कमेंट भी पढ़ लेते थोड़े, जो कि कल का ब्लॉग में बहुत ही अच्छा था एंड ट्रूथ एंड डेयर भी होने वाला, मैंने आपको बताया, रोज बता रहा हूँ मैं, अपडेट देता रहूँगा। ये वाईफाई एक चल रहा नहीं है, देखो ना, गाइस गाइस, तो आप सभी को मुझे दिखाना था ये मदर्स डे एंड अदर्स डे, क्योंकि ये रियलिटी है अपनी सोसाइटी के, ये अपनी सोसाइटी की रियलिटी है, जो कि मदर्स डे पे सारे लोग आते हैं माँ से मिलने, माँ को उस दिन ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करो, क्योंकि माँ डिजर्व करती है डेली प्यार देना, उसने अपन को 9 महीने कोक में रख के बिना देखे इतना प्यार दिया अपन को। आई नो मैं छोटा हुआ एंड बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है मुझे, मैं बहुत ही छोटेपन में मैंने सीखा है बड़ों से। मैं मेरे दोस्त भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं अभी घूमता हूँ ना, वो मेरे सारे लेवल के, मेरे बचपन के, बट मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मेरे से बड़े वाले, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। एंड यही मैं कहना चाहता हूँ कि अदर्स डे भी उतना ही प्यार दो जितना मदर डे पे देते हो, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एंड सब दिन सेम रखो माँ के लिए, माँ ने अपन के लिए इतना कुछ किया है तो उसके लिए इतना सा करने को क्या फर्क पड़ता है ब्रो, हाँ कि नहीं। तो फिर आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे, मैं लेट बोल रहा हूँ, आई नो मैंने बोला नहीं उस दिन क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं डेली मेरा वैसे ही मदर्स डे में वही रहता हूँ, जो हर टाइम रहता हूँ मैं वही रहता हूँ, मेरा ऐसा नहीं रहता कि मदर्स डे तो आज मैं थोड़ा चेंज रहूँगा, आज खुश रखूँगा माँ बाप, ऐसा नहीं। आज भी खुश है वो, मदर्स डे भी खुश रहते हम लोग एंड आज भी खुश है, एंड हम लोग डेली खुश रहते, डेली टाइम स्पेंड करता हूँ मैं मम्मी पापा के साथ एंड मस्त है कि खुश रहता हूँ। एंड आप भी अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड किया करो, चैटिंग थोड़ा कम किया करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी से बोलो या ना बोलो, इस दुनिया में एक ही इंसान है जिसे फर्क पड़ता है आपको कुछ हुआ तो, वो बस अपनी माँ रहती है। तो प्लीज मैं बोलता हूँ कि टाइम दिया करो मम्मी पापा को, समझ रहे हो ना। तो प्लीज मेरी तरफ से आपकी मम्मी पापा को मदर्स हैप्पी मदर्स डे सभी को, लेट बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी। मम्मी जिम क्यों नहीं जाने दे रहे, मम्मी ने बताया मुझे कि तू अभी छोटा है बहुत, मम्मी बोल रहे कि तू छोटा है, तुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि दादा ने बहुत अच्छी बॉडी बना के, फिजिक बना के उसने छोड़ दिया था एक टाइम के लिए, उसका बहुत कुछ सीन हुआ था, वो बता नहीं सकता, नहीं तो वो मुझे पकड़ के मारेगा, मैं बता देता था सब कुछ। एंड उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूँ उन चीज़ों से, जो उस चीज़ों से उसने उतना पछतावा किया था उस चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। एंड बहुत कुछ सीखा है मैं, इसलिए उसने छोड़ दिया था, अभी वो फिर से आई थिंक सो कम बैक लेगा, एंड जिस दिन कम बैक लेगा वो बहुत ही खतरनाक लेगा, एंड वो भी यूट्यूब चैनल चालू करेगा एज अ फ्यूचर, देखते हैं उसका भी हो सकता है। एंड ये एंगल कैसे लग रहा है अपन ना, एक मुझे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट है फ्यूचर एज अ वॉय, मैं वो करूँगा एक दिन, सारे रोस्ट, मुझे रोस्ट करना बहुत पसंद है एंड मैं एक दिन करूँगा, आई होप अपना वो हो एक दिन, एंड हम करेंगे एक दिन रोस्ट वीडियो, एंड करेंगे मैं करूँगा। एंड मैंने एडिटर तो है अपने पास, जो कि अपना बहुत अच्छा दोस्त है, एंड वो अपन के लिए एडिट करके देगा रोस्ट एज अ वीडियो अपन, वो टाइम तो लगेगा उसको, बट एक दिन करेंगे अपन। एंड अपन थोड़े देर में ही गेमिंग चैनल भी ओपन करने वाले हैं अपने, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको, गेमिंग चैनल पबजी बीजीएमआई में खेलेंगे एंड वो भी बताऊंगा आपको। अब आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा होगा, बताता रहूंगा मैं आपको वैसे वैसे, मैंने सारे मेरे प्रोजेक्ट हल्लू खोलता रहूंगा, आज भी मैंने 2-3 प्रोजेक्ट बता दिया आपको, मुझे रोज वीडियो बनाने एंड गेमिंग चैनल जल्दी ही आने वाला है, हम सारे लोगों के साथ पबजी खेलेंगे, मस्त अभी रूम वगैरह बनेंगे, बहुत मजा करेंगे एंड आप सारे भी उसमें ज्वाइंट हो गए तो बहुत जल्द वो भी करेंगे। पहले अपना अचीव होने दो कुछ तो बड़ा, ये इस पे अपन बड़ा हो गए ना तो कर देंगे। एंड गेमिंग चैनल बहुत ही जल्द आने वाला है, आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा अपना गेमिंग चैनल का विषय, तो बी रेडी गेमिंग चैनल के लिए। अभी मैं जाता हूँ थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया आज आपके सामने, तो चलो लव यू बाय बाय एंड फिर से एक बार हैप्पी मदर्स डे, लव यू काका काकी कोनी
को किसी के मम्मी पापा देखते होंगे तो आप सभी को मेरे तरफ से लव यू। एंड जो मुझे बच्चे लोग देखते हैं, मेरे एज के देखते हैं, मेरे से बड़े देखते हैं, तो उन सभी को बताना चाहता हूँ कि बॉडी बनाओ। अपनी मम्मी डिजर्व करती है स्ट्रांग बॉय, तो बॉडी बनाओ, स्ट्रांग बॉय बनो, समझ रहे हो ना, स्ट्रांग बॉय बनो। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, बच्ची के दिल में चौ चौ।